कोरोना महामारी के बीच हर कोई उसके संक्रमण से बचाव के लिए उपाय करने में फिलहाल जुटा है। इसके चलते हम आपको लिए चलते हैं अलवर जिले के रेनी पंचायत के गांव पाटन में, जहां गांव वालों ने कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना संक्रमण में से एक दूसरे को बचाए रखा है। इस कड़ी में गांव के सरपंच की बनाई हुई रणनीति और भामाशाहों का सहयोग भी कम नहीं रहा। आइए आपको बताते हैं इस गाँव की पहल के बारे में। बदलते वक्त की कहानी बयान करता ये गाँव है पाटन। पाटन गाँव रेणी पंचायत समिति में पड़ता है, जो कि अलवर जिले की एक पंचायत समिति है। पाटन कुदरत की गोद में बसा ये गांव अपने आप में अद्भुत है। जहां एक तरफ विरासत की बुलंद बुनियाद नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ विकास के राह पर सरपट दौड़ती आधुनिकता। पहाड़ी आंचल में बसा ये गांव आजादी से पहले भी अपने होने की अहमियत रखता था। इतिहास के पन्नों पर अटल ये बुलंद इमारतें अपने गांव में गांव के बदलाव की कई कहानियां अपने आप में समाये खड़ी हैं। वास्तुकला और भवन निर्माण में नजर आती ये विविधताएं पाटन को नई पीढ़ी के लिए पठन के योग्य जरूर बनाती हैं। विशाल वृक्ष, सीधे समतल खेत और अनुशासन में आस्था रखती खेतों की ये भीड़ इस बात की गवाही देती है कि यहाँ के किसान कितने मेहनती हैं और खेती उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। विराट विरासत के साथ ही पाटन तरक्की के साथ भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ता रहा है। बिजली, पानी और सड़क के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति पूरा गांव जागरूक है। कोरोना काल में साफ सफाई के साथ साथ ग्रामवासियों ने अपने घरों के साथ गांव को भी समय समय पर सैनिटाइज करते रहे हैं। सरपंच की पहल पर पूरे गाँव ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने गांव को कोरोना से बचाए रखा। सरपंच नेता बनकर नहीं, बल्कि गांव की महिलाओं की हम साया बनकर इस महामारी के प्रति जागरूक करती रही हैं और वक्त वक्त पर सबको हौसला देती रही हैं। पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना की मार का असर अब देर तक रहने वाला है। सबका अपना एजेंडा है और इस मुसीबत से उबरने का इस गाँव का भी अपना एक एजेंडा है। पाटन गाँव के सरपंच सरोज मीणा भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं अपने पास रखती हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं कि पाटन की सरपंच सरोज मीणा ने क्या कहा। आज हमारी टीम अलवर जिले के रेणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाटन में पहुंची है। यहां पर यहां के सरपंच सरोज मीणा से हम बात करेंगे कि उन्होंने कोरोना जैसी बीमारी को देखते हुए अपनी ग्राम पंचायत को किस तरह से सुरक्षित रखा। मैडम, पहले तो आपका स्वागत है A1 टीवी में। कि जिस तरह से देश पूरी तरह से कोरोना जैसी बीमारी से हिल चुका था, तो उस समय आपने किस तरह के नियम कायदे बनाए, किस तरह से यहाँ की जनता को जागरूक किया? जैसे हमें पता चला कि कोरोना महामारी आ गई है और देश विदेशों में भी आ गई है, और हमारे भारत में देखते हुए कि फैसिलिटीज़ बहुत कम है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने गांव में जन जन को मिलकर के उनको अवेयरनेस किया और हमने पूरी कोशिश की कि हर व्यक्ति के पास ये मैसेज पहुंचे कि ये महामारी जो है इतनी खतरनाक है, जिससे हम लोग जो उभर नहीं पाएंगे। तो उसके अलावा फिर हमने जो सैनिटाइजर्स, मास्क वगैरह बांटना शुरू किया और लोगों को घर घर जा कर के बताना शुरू किया। मैंने करीब 400 मास्क अपनी एक दो लेडीज़, गांव की लेडीज़ को मिल करके हमने बना लिए थे उस वक्त, तो वो हमने बांटना शुरू किया। उसके अलावा लोगों को हैंड वॉश करने की प्रक्रिया समझाई कि किस तरह से हैंड वॉश करना चाहिए, जिससे हमारा जो COVID-19 से हम मुक्ति हो सकती है और हम लोग जो सावधानी बरत सकते हैं। तो सभी लोगों को समझ में आया ये चीज़ें, लेकिन साथ में हमारा स्टाफ भी पूरा काम कर रहा था और हमारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने और BLOs ने और डॉक्टर्स की टीम, जिसमें ANM है, घर घर जा कर के जो लोग बाहर से आ रहे थे उन लोगों को क्वारंटाइन करना 14 डेज के लिए, और साथ ही उनको अवेयरनेस देना कोरोना के प्रति कि किस तरह की हमें सावधानी लेनी है, घर परिवार वालों से मिलना नहीं है, अपना खाना भी अलग करना है, अपना वॉश लेबल जो भी चीज़ें होती हैं वो अलग रखनी है।
मैडम, अगर अपन राशन की बात करें, आपने कहा पानी, रोजगार, हमने ये सब कुछ व्यवस्था अच्छी की है, लेकिन अब अपन राशन की बात कर लेते, कुछ ऐसे परिवार थे, ऐसा है परिवार जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं था, तो उनके लिए आपने किस तरह की व्यवस्थाएं करी? जो भी हमारे जरूरतमंद परिवार थे उनको हमने हमारे गांवों से भामाशाह तैयार किए, उन भामाशाहों के जरिए हम लोगों ने किट वितरण किया। तो हमारे यहाँ पर जितने लिस्ट बनाई गई है कि कितने परिवार ऐसे हैं, तो उस टाइम तो राशन अवेलेबल नहीं था, लेकिन किट के जरिए हम लोगों ने उनके खाना पूर्ति की, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। मैडम, जिस तरह से युवाओं की अगर अपन बात कर लेते हैं, तो युवाओं ने अपन को कितना सहयोग दिया? हमारे जितने भी भामाशाह हैं अधिकतर तो युवा ही हैं, और युवाओं में हमारे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, हमारा स्टाफ है, और गांव के कुछ बच्चे हैं जो युवाओं में आते हैं, तो उन लोगों ने मेरे पूरा साथ दिया है, और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे ग्राम पंचायत पाटन के सभी ग्रामवासियों को। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम पंचायत पाटन की सरपंच सरोज मीणा, जिन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से अपनी ग्राम पंचायत को सुरक्षित रखा है। गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए